तो आज हम सीखेंगे इन टूल्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने कॉम्पिटिशन के बारे में सीखा था और कॉम्पिटिशन की सेटिंग्स क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, उस क्लास में मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप कॉम्पिटिशन वाली क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा टूल्स के बारे में और टाइमलाइन के बारे में। तो सबसे पहले हम टूल बार पे आते हैं। तो टूल बार पे हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन होता है होम बटन का। होम बटन हमारा क्या करेगा, जब हम आफ्टर इफेक्ट्स खोलते हैं तो हमारे पास ये पहली विंडो खुलती है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्या इसका यूज़ होता है, रिसेंटली हमने जिस जिस प्रोजेक्ट पे काम किया है और हमने उन्हें सेव किया है, तो वो हमें हिस्ट्री में यहाँ पर दिखाएंगे। रिसेंट पे वो दिखाएंगे आपने लास्ट किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, उनका नाम क्या है और वो कितने डेज पहले आपने यूज़ करे थे और वो कितने MB के हैं, ये साइज़ भी आपको यहाँ पर दिखेगा। और फिर हमारे पास आता है ओपन प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, होम बटन, लर्न, न्यू टीम प्रोजेक्ट और ओपन टीम प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले मैं न्यू प्रोजेक्ट बताता हूँ आपको। न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आपके पास एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट होकर आ जाएगा। ओपन प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट से हम अपने पुराने प्रोजेक्ट्स रिकॉल कर सकते हैं। अगर जैसे कि आपको लगता है कि आपने कल किसी प्रोजेक्ट पे स्टार्ट किया था काम, उसी प्रोजेक्ट पे आपको वापस से काम स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं उसको। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा लर्न। कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक है, आप वो देख के सीख सकते हैं अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है एडोब का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यू टीम प्रोजेक्ट। न्यू टीम प्रोजेक्ट में क्या होता है, आप मान लीजिए एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बट आपसे नहीं हो पाएगा, आप अपने टीम मेंबर्स इंक्रीज करें और सेम प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं आप, तो 3 से 4 लोग 5 लोग जितने भी आपको करना है इसमें एक साथ हम काम कर सकते हैं सेम प्रोजेक्ट पे। और जो हमारी मेन कोर फाइल होगी वो हमारी एडोब के क्लाउड पे सेव होती है। तो ठीक है, मैं इसके सेटिंग्स बताता हूँ कैसे कर सकते हैं हम इसको। न्यू टीम प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपका टीम प्रोजेक्ट नेम होगा, किस चीज़ के ऊपर है वो आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, और आपको जितने भी टीम मेंबर्स हैं आपके ऐड करने हैं तो आपको एडिट पे क्लिक करना होगा। जो अडोब पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी वो आपको पुट करनी होगी और इनवाइट भेजना होगा, इनविटेशन चले जाएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर उनकी ईमेल आईडी आ जाएगी और वो उनके पास भी एक्सेस आएगा फिर। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आप टीम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। इन टूल्स को यूज़ करने के लिए भी हमें एक कॉम्पिटिशन क्रिएट करनी ही पड़ेगी, तो मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ कॉम्पिटिशन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चेकबॉक्स टाइप दिख रहा है, तो ये चेकबॉक्स होता क्या है, ये होता है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि आपकी कॉम्पिटिशन कुछ भी अभी क्रिएट नहीं किया है हमने, सिर्फ एम्प्टी एक कॉम्पिटिशन है, तो आपको ये ट्रांसपेरेंसी शो करना है। तो मैं यहाँ पर एक सॉलिड क्रिएट करता हूँ, लेयर्स पे जाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और सॉलिड। सॉलिड कलर से क्या होगा, सॉलिड कलर हमारा एक कलर क्रिएट कर देगा। देखिए यहाँ पर सेम सारे ऑप्शन वही है, जो सॉलिड का साइज़ क्या रखना है वो रख सकते हैं आप। मेक कॉम्पोजिशन साइज करेंगे तो आपके पास सेम यही साइज़ आएगा। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, देखिए मेक कॉम्पोजिशन साइज करा, कॉम्पोजिशन का आ गया। तो और यहाँ पर हमारे पास कलर होता है, आपको सॉलिड का क्या कलर लेना है आप वो कलर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा ये वाला लेता हूँ, ठीक है, ओके एंड ओके, हमारे पास एक सॉलिड कलर आ गया ये। तो अब सबसे पहला ऑप्शन क्या था हमारे पास, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है, सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं लेयर को, सेलेक्ट करते देखिए अभी यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है साइड वाइड में। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर हमारे पास पॉइंटर्स बन के आ जाते हैं। तो ये पॉइंटर्स हैं हमारे रिसाइज करने के लिए, तो हम इसका रिसाइज कर सकते हैं कैसे। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल पॉइंट, तो अगर हम यहाँ से पकड़ के साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टली साइज़ इंक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है, और ये है हमारा वर्टिकल और ये हमारा फ्री। तो ये हम किसी भी साइज़ साइड से अप डाउन कैसे भी हम कर सकते हैं इसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हैंड टूल। हैंड टूल का क्या काम है, हमारे कॉम्पोजिशन को यही इधर से उधर मूव करेगा। जैसे कि अगर आपने अगर बहुत जूम कर लिया है, ठीक है, तो आप
हैंड टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको फिट करता हूँ। जूम टूल, जूम टूल आपका क्या करेगा, जूम टूल आपका जहाँ पे भी आप जूम करना चाहते हैं उतना सिलेक्शन लीजिए और उतना जूम कर देगा। और आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से फिट कीजिए और आप सिंगल क्लिक करेंगे तो भी जूम करेगा ये, ऑप्शन और ऑल्ट की के साथ करेंगे तो जूम आउट करेगा ये, देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी आप फिट कर सकते हैं इसको, ये अलग अलग साइजेज हैं, आप जितना जूम करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, तो फिट करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा ये। ठीक है, तो जो नेक्स्ट थ्री ऑप्शन है ये हमारे 3D कैमरा पे यूज़ होते हैं, तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ठीक है, रोटेशन टूल आता है फिर नेक्स्ट। रोटेशन टूल का क्या काम है, यहाँ पर अपनी लेयर को, जो हमारी लेयर है उसको रोटेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, मैं यहाँ से इसको पकड़ के रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये रोटेशन के लिए काम आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिर पैन बिहाइंड और एंकर पॉइंट टूल, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है, अभी आप देखिए मैं रोटेट करता हूँ तो हमारा ये जो पॉइंट है, एंकर पॉइंट बोलते हैं इसको, तो ये यहीं से ही रोटेशन ले रहा है, इसके सेंटर ये पॉइंट बना हुआ है। अगर मैं इसको मूव करूँगा तो जहाँ पर ये मूव होगा तो इसका एक्सेस पॉइंट वहाँ बन जाएगा, और मैं जब मूव करूँगा तो वो एज अ सेंटर लेके उसके चारों तरफ इसको मूव करवाएगा अपनी लेयर को। तो इसको मूव कैसे करते हैं हम, एंकर पॉइंट टूल। तो मैं इसको एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मूव कर सकते हैं हम। अब देखिए, ठीक है, मैं अब इसको रोटेट करके दिखाता हूँ। अब देखिए रोटेट आपका वहीं से हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास जो हाइट और विड्थ इंक्रीज डिक्रीज करने का था वो भी इसका एक्सेस चेंज हो गया है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे एंकर पॉइंट होगा वहाँ से ये एक्सेस पॉइंट इसका ले लेगा। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास रेक्टेंगल टूल। तो रेक्टेंगल टूल से हम एक रेक्टेंगल शेप लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप आ गई, और फिर यहाँ पर आप छोटा सा एक एरो दिख रहे होंगे नीचे की तरफ, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे तो आपके पास और भी ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला मैंने आपको करवा दिया रेक्टेंगल टूल, सेकंड है राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इसके कॉर्नर्स राउंडेड होंगे, जो अगर आप शिफ्ट के साथ कोई भी शेप क्रिएट करेंगे तो आपका विड्थ और हाइट है वो लॉक हो जाएगी एक दूसरे के साथ। तो हमारा सेम जितना विड्थ इंक्रीज होगा उतना ही हाइट इंक्रीज होगा हमारा, आप ये देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करके तब ड्रैग कर रहा हूँ, तब साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट देखिए आप एलिप्स टूल, एलिप्स टूल का भी सेम यही है, अगर आप सिंपली क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो फ्री हैंडली आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, और शिफ्ट के साथ करेंगे तो आपके पास प्रॉपर एक विड्थ और हाइट लॉक होके एक कंप्लीट सर्कल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीगन टूल, पॉलीगन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला आता है स्टार टूल, स्टार टूल से हमारे पास एक स्टार क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास पेन टूल, पेन टूल से हम कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करके ये देखिए ये मैंने शेप क्रिएट कर ली। अब इसके अंदर मैं कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसकी आउटलाइन इंक्रीज कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो जितनी भी हमने शेप करी है अभी, या ये वाली जितनी भी शेप है, सेम इसी तरीके से हम इनके भी कलर और जो स्ट्रोक है वो चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं उसका। जैसे कि मैं ब्लू की जगह रेड ले लेता हूँ, तो ओके प्रेस किया, देखिए अब हमारे पास रेड कलर का ही इसका स्ट्रोक आ गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्स्ट टूल। तो टेक्स्ट टूल आता है, टेक्स्ट टूल हमारे पास दो तरीके के आते हैं। अगेन ये देखिए, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल और एक हमारे पास वर्टिकल। अच्छा, पेन टूल में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा आगे कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट टूल मैं बताता हूँ आपको, टेक्स्ट टूल में हमारे पास
टेक्स्ट टाइप करने के लिए है यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट क्रिएट करेगा और दूसरे वाला हमारा वर्टिकल टेक्स्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास टेक्स्ट टूल में यही है और इसके जो ऑप्शंस है, कहाँ से हम फॉन्ट चेंज करेंगे, कहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे, वो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैं आगे बताऊँगा आपको। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रश टूल। तो अभी ब्रश टूल का देखिए यूज़ हम ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पर, अगर हम ऐसे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं क्रिएट होगा। आप क्लिक कर दीजिए लेकिन वो सिलेक्शन टूल में बदल जाएगा। तो उसके लिए हमें कैसे यूज़ करना है इसको, ब्रश टूल को हमें जो ये लेयर है, लेयर पे डबल क्लिक करेंगे तो ये लेयर अलग से खुल के आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो अब हम ब्रश टूल लेंगे, यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर हम आप, और सिलेक्शन टूल से आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं जो आपने शेप क्रिएट करी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ठीक है। तो क्लोन टूल का मैं आपको किसी इमेज पे करके दिखाता हूँ और वीडियो फुटेज हो उस पे करके दिखाता हूँ। तो एक ये इमेज मैं लेके आया हूँ यहाँ पर और इस इमेज को मैं ड्रैग करता हूँ अपने कॉम्पोजिशन में। ये देखिए अभी ये आपको दिख नहीं रही है क्योंकि ऊपर हमारे पास ये सॉलिड वाली लेयर है। इसको अगर मैं ड्रैग करके सिलेक्शन टूल से ड्रैग करके नीचे लेके जाऊँगा तो ये हमारी शो होने शुरू हो जाएगी। बट यहाँ पर हमारा जो इस वीडियो का साइज़ है, इस वीडियो फुटेज का साइज़ है, वो 4K साइज़ है और हमारी जो कॉम्पोजिशन है वो है 1080p में, ठीक है। तो फुल HD साइज़ में है तो इसलिए ये हाफ ही दिख रहा है हमें। तो इससे साइज़ को मुझे रिसाइज करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। इस यहाँ पे एक एरो टाइप में बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और स्केल में यहाँ पर आप 50 प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे हमारा जो फुल HD साइज़ है वो 4K का हाफ होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसका साइज़ 4K फुटेज का साइज़ हम 50 डाल देते हैं, 50%, ये तो सेट हो जाएगा ये हमारे कॉम्पोजिशन साइज़ में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक ये फुटेज आ गई है और इसका मैंने साइज़ आपको छोटा करके दिखाई दिया है। स्टैम्प टूल को भी यूज़ करने के लिए हमें सेम जैसे ब्रश टूल के लिए हमने किया था, लेयर पे डबल क्लिक करेंगे, अलग लेयर में खोलेंगे उसको, लेयर कॉम्पोजिशन सेट के, तो हमारे पास ये लेयर खुल गई है इसकी। तो ये वीडियो फुटेज है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाला एरिया रिमूव करना है तो मुझे यहाँ से एक सैम्पल लेके यहाँ पे डालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टैम्प टूल लूँगा, फर्स्ट फ्रेम पे गए इसके और यहाँ से मैंने एक सैम्पल लिया, ठीक है। और यहाँ से हम साइज़ वाइज बढ़ा सकते हैं इसका, तो डायमीटर मैंने इंक्रीज़ किया, अब देखिए, ठीक है। और ऑल्ट और ऑप्शन की, इसके थ्रू हम यहाँ से सैंपल लेंगे और यहाँ पर हम क्लोन करेंगे इसको। अब ये देखिए, ठीक है, यहाँ से लिया और यहाँ क्लोन किया, यहाँ से लिया और यहाँ पर पेस्ट किया हमने। ये क्या कर रहा है, यहाँ से सैंपल ले रहा है और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग लेयर क्रिएट हो रही है इसकी क्लोन की, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने कर दिया अच्छे से। तो स्टैम्प टूल ऐसे यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट टूल है हमारा इरेज़र, इरेज़र से हम इरेज कर सकते हैं अपनी फुटेज को ही। तो आप देख सकते हैं मैं फुटेज ही अपनी रिमूव कर रहा हूँ। तो हमारे पास आप देखिए, अब मैं प्ले करूँगा तो इतना वो रिमूव भी कर दिया उसने वहाँ से डिटेल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इरेज़र टूल है। लोटो और पपेट टूल, ये थोड़ा डिफरेंट है। लोटो क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर हमारा एक सीन है उसमें जो हमारा कैरेक्टर है, ठीक है, उसके ठीक पीछे कुछ अनवांटेड आइटम्स आ गए या फिर जो माइक होता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट उसके सर के पीछे आ गया, तब भी रोटोस्कोपी से निकालते हैं। तो रोटोस्कोपी आज के टाइम पे इन्होंने AI एक इनबिल्ट दे दिया है हमें यहाँ पर, तो हम इसके थ्रू भी रोटोस्कोपी कर सकते हैं। तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा क्योंकि ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है। और सेम पपेट टूल हमारा एक क्या करेगा, हमारे पास 2D कैरेक्टर हो तो हम उसे पपेट टूल से एनिमेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आगे चल के बताऊँगा मैं आपको।
तो फिर हम नेक्स्ट आते हैं अपनी टाइमलाइन पे। तो टाइमलाइन पे ये वाला जो एरिया है हमारा लेयर्स का है ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, और यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट लेयर है अपनी वीडियो लेयर, और सेकंड लेयर है हमारी सॉलिड कलर लेयर, ठीक है। और जो यहाँ से हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा हाइड और अनहाइड करने के लिए, ये हमारा आइसोलेशन मोड ऑप्शन है। तो ये मेरे पास फोर साइड लेयर्स हो गई है। अगर मुझे सिर्फ इसी पे ही काम करना है तो मैं क्या करूँगा, इस लेयर को आइसोलेट कर दूँगा, ठीक है। ये आइसोलेट ऑप्शन होता है, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा सारी हाइड हो जाएंगी, सिर्फ ये वाली हमारी विजिबल होगी। अन आइसोलेट करूँगा तो हमारी सारी वापस से विजिबल हो जाएंगी। बैकग्राउंड जो लेयर है मुझे लॉक करके रखना है कि ना ही वो मूव हो पाए, ठीक है, ना ही उस पर कोई इफेक्ट डल पाए, तो वो लॉक रहेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको लॉक कर दीजिए। अब देखिए मैं पिछले वाली लेयर पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये एरो टाइप जो ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले एक शेप क्रिएट करके दिखाता हूँ आप। मैं ये जो हमारे पास, ठीक है, स्टार ले लिया मैंने एक ये। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ये ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। तो जो ये कंटेंट्स है मैं इसको अलग से बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म में आते हैं। फर्स्ट एंकर पॉइंट क्या करेगा आपका, जो हमारा ये वाला एंकर है इसके सेंटर में या फिर इससे इस एंकर पॉइंट को कंट्रोल करवाएगा। अब मैं इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हो रहा है, और मैं इसका एंकर पॉइंट शिफ्ट करता हूँ यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, और मैं इसका एंकर पॉइंट और दूर कर देता हूँ, तो अगेन तब भी इसका एंकर पॉइंट हमारा कहाँ है, यहीं पर है। तो अगर जब मैं साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करूँगा तो ये देखिए ये वहीं पर ही जाके, ठीक है, ज़ीरो हो जा रहा है अगेन। तो एंकर पॉइंट हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ से आप एंकर पॉइंट इसका यूज़ कीजिए, और इन फ्यूचर जब एनिमेशन आप डालेंगे तो यहाँ से भी आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका भी मैं आगे चल के जब एनिमेशन में आपको अच्छे से सिखाऊंगा तो हम इन सब ऑप्शंस का यूज़ करेंगे अच्छे से। तो एक मैं बेसिक एनिमेशन आपको सिखाता हूँ। अच्छा, एंकर पॉइंट को आप डायरेक्टली यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं इसके सेंटर में, कैसे, कमांड और कंट्रोल प्रेस कीजिए, ठीक है, और इस पर डबल क्लिक कीजिए। आप देखिए ऑटोमेटिक वो स्नैप हो गया हमारे सेंटर में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको आपको एक रोटेशन एनिमेशन देके दिखाता हूँ। ये रहा रोटेशन और ये हमारा टाइमलाइन। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फ्रेम पे इसका हम एनिमेशन सेट करते हैं। तो ये हमारा ज़ीरो फ्रेम पे और ज़ीरो सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया ये, आपको एक स्टॉपवॉच दिख रही है, तो ये एक क्रिएट करती है एनिमेशन की, ठीक है, तो जिसे हम की फ्रेम बोलते हैं। तो हम की फ्रेम एक क्रिएट करेंगे यहाँ पर, एक यहाँ पर देख सकते हैं आप डॉट क्रिएट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये एनिमेशन की फ्रेम है हमारा, तो ये वैल्यू सेव रखता है। इस पॉइंट पे हमारी वैल्यू ज़ीरो है, और मैं आगे चल के एक सेकंड पे लेके जाता हूँ, और इस पॉइंट पे यहाँ पर भी मैंने एक पॉइंट क्रिएट किया, इस पॉइंट की वैल्यू इनक्रीज़ करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने इसको इनक्रीज़ किया, आप ये देख सकते हैं वहाँ पे रोटेशन हो रहा है, मैं रोटेट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। नाउ अब जब मैं इसको यहाँ से स्पेस बार से हम यहाँ पे प्रीव्यू देखते हैं अपनी एनिमेशन का, और जो भी वीडियो फुटेज है उसको भी प्ले करके देख सकते हैं हम। जैसे ही मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा फर्स्ट फ्रेम पे जाके हमारा जो एनिमेशन है वो प्ले हो जाएगा, और आप इन फ्रेम्स को इधर से उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं टाइमलाइन पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ सिलेक्शन टूल से, देखिए, ठीक है, सिलेक्शन टूल से ही हम कुछ भी लेयर को इधर से उधर मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, की फ्रेम से मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इस वाले फ्रेम से मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेके आता हूँ। नाउ अब देखना आप एनिमेशन स्लो हो जाएगा, चलता रहेगा। आप जितना दूसरे की के पास लेके जाएंगे उतनी फास्ट ये रहेगा, जितना दूर लेके जाएंगे उतना स्लो एनिमेशन होगा। आप देखिए जितना मैं पास लेके जाता हूँ उतना फास्ट एनिमेशन हो जाएगा। और अभी मैं इसका एक और एनिमेशन क्रिएट करता हूँ यहाँ पर पोजीशन पे। पोजीशन क्या है, इसका करंट पोजीशन यहाँ पर है,
ठीक है, ज़ीरो फ्रेम पे हमारे पास और ज़ीरो सेकंड पे एक मैंने की सेट करी यहाँ पर, और इसके यहाँ पर ही मैं लिखे गया और इसके पोजीशन मैंने चेंज कर दी यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ से ये एक एनिमेशन क्रिएट हो गया पोजीशन पे भी, रोटेशन एनिमेशन भी ऐड कर दिया मैंने और एक पोजीशन एनिमेशन भी ऐड कर दिया। अब देखिए आपको ये एनिमेट होते हुए दिखेगा और यहाँ से हम स्केल करेंगे इसको। अब स्केल का एनिमेशन कैसे रहेगा, एक मैंने की यहाँ पर ऐड करी और एक मैंने यहाँ पर ऐड करके, अगर आप वैल्यू चेंज करेंगे वहीं पर ही आपकी एक की ऐड हो जाएगी उस वैल्यू के साथ, ठीक है। अब आप देखिए स्केल भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, पोजीशन भी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक एनिमेशन, इस तरीके से हम एनिमेट करते हैं। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एनिमेशन स्टार्ट करवाऊंगा। तो एक हम छोटा सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम प्रॉपर एनिमेशन क्रिएट करना सीखेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे टेक्स्ट एनिमेशन, शेप एनिमेशन और लाइन एनिमेशन। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन ज़रूर आए, ठीक है। थैंक यू।